तो गाइज इधर हो रहा है हमारा सेवा, मेरा बेटा अभी सर दबा रहा है क्योंकि मेरा बहुत तेज सर दुख रहा है और बोल रहा है बच अब नहीं करूँगा। और इधर हमारे घर पे गेस्ट आए थे तो उनके लिए बन रहा है गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय। भजिया बना रहे हैं जो प्याज वाला होता है ना, बहुत टेस्टी लगता है एकदम। उसमें बेसन ऐसे मतलब थोड़ा लगा के, बाकी पूरा फुल बेसन वाला तो अच्छा नहीं लगता, ये वाला बहुत टेस्टी लगता है। इसमें प्याज की मात्रा बहुत होती है, मतलब काफ़ी मतलब ठीक ठाक। और इधर मुझे लग रही है बहुत ज़बरदस्त वाली गर्मी। और इतना 2 बजे मतलब 1-1.5 बज रहे होंगे, 2 में टाइम नहीं देखी लेकिन इतना टाइम तो हो ही रहा होगा। और किचन में हिलोना क्या गर्मी लग रही थी कल, इतना ज़बरदस्त वाली गर्मी पड़ रही है ना, पूछो ही मत। और इधर मैंने बनाया था ये शाम को, मैंने अनरसा बोलते इसको मिठाई, तिलोल डाल के, और काफ़ी टेस्टी बना था गाइस। रेसिपी तो नहीं शेयर की लेकिन काफ़ी टेस्टी बना था। मैं फर्स्ट टाइम क्या मतलब और बार ट्राई किया है पर इतना अच्छा नहीं बना था, इस बार काफ़ी अच्छा बना है। देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत मस्त लग रहा था, एकदम एकदम लाजवाब, बता नहीं सकते इतना टेस्टी लग रहा है। बाबू को भी मेरे बहुत पसंद आया, बहुत टेस्टी बना है। और इस टाइम इसका मतलब वो बोलते हैं ना मिठाई का सीजन, मतलब हम पता नहीं और जगह तो नहीं मिलता, मैं नासिक में थी तो वहाँ तो नहीं मिलता था ये मिठाई, गांव में इस टाइम मिलता है। सब लेके जाते हैं ना, तीज आता है जैसे, मतलब किसी लड़की की शादी हुई तो ये बनवा के लेके जाते हैं जिसको जितना ले जाना होता है। काफ़ी यमी बना था, काफ़ी टेस्टी, मतलब मुँह में डालो ऐसा घुल जा रहा था। तो इसके बाद मैंने खाया पिया मस्त मस्त। और इस टाइम हो रहा होगा मतलब 7:30 बज रहे होंगे, तो मैंने इसको बनाया, थोड़ा सा खाना बनाया। तो जब ये सब बनाते हैं तो यही मतलब बना बना के खुद ही पेट भर जाता है, तो मन ही नहीं करता कुछ खाने का। थोड़ा सा मम्मी के लिए बनाया था। और इधर मेरी लाइट को पता नहीं क्या डिस्को डांस करना है, देखिए किसे कर रहा है। मेरे को तो ऐसा रात को करता है तो मुझे लगता है भूत ही आ गया, बस यही सब हो।